नमस्कार, प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री शुक्रवार को भोपाल के मिंटो हॉल में आयोजित प्रतिभाशाली छात्र प्रोत्साहन योजना कार्यक्रम में विद्यार्थियों से रूबरू हुए। उन्होंने अन्य जिलों के छात्र छात्राओं से ऑनलाइन संवाद किया। वे भोपाल में 6 छात्र छात्राओं को पुरस्कार और 25,000 रुपये का चेक देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम के दौरान छात्र छात्राओं ने शिवराज मामा को खुलकर अपनी बात और पढ़ाई में आ रही दिक्कतें बताई, जिन्हें सीएम ने पूरा करने का आश्वासन बच्चों को दिया। विधानसभा के बाद शिवराज सरकार के कृषि मंत्री कमल पटेल ने एक बार फिर किसानों की कर्जमाफी की बात स्वीकार की है। एक प्रेसवार्ता के दौरान कमल पटेल ने कहा कि कमलनाथ सरकार ने किसानों का 6,460 करोड़ का कर्ज माफ किया है। 6,460 करोड़ रुपए कुल माफ किए 54,000 करोड़ में से 6,460 करोड़ रुपए कुल माफ किए 54,000 करोड़ में से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शुक्रवार को प्रदेश कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया और प्रदेश कार्यालय में उनकी जयंती के अवसर पर लगाई गई प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। इस दौरान सीएम शिवराज ने बयान देते हुए कहा कि आज के दिन ही महामानव देव पुरुष पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म हुआ था। आज भारतीय जनता पार्टी जो कुछ है उसके पीछे सबसे बड़ा योगदान अगर है तो वह पंडित दीनदयाल उपाध्याय का है। महामानव देव पुरुष पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म हुआ था। आज भारतीय जनता पार्टी जो कुछ है उसके पीछे सबसे बड़ा योगदान अगर है किसी का तो वह है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी। विशेषकर विचारधारा के मामले में भारतीय जनता पार्टी का जो आधारभूत दर्शन है, एकात्म मानव दर्शन, वो दर्शन भारतीय जनसंघ को देने वाले हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए नए मंडी मॉडल एक्ट को लेकर मंडी में कार्यरत अधिकारी कर्मचारियों में भारी आक्रोश है, जिसके चलते संयुक्त संघर्ष मोर्चा मंडी बोर्ड संघ द्वारा इस एक्ट का लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी कड़ी में पूरी प्रदेश भर की मंडियों में अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है, तो वहीं राजधानी भोपाल की करुण मंडी में भी काम करने वाले अधिकारी कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल में भाग लेते हुए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मंडी एक्ट में हमारे किसान की, हम माल तुलावटी, कर्मचारी, अधिकारी, सारी लोगों की परेशानियां ये हैं कि कर्मचारियों के वेतन भत्ते और पेंशन जो है उसमें हमारी प्रभावित हो रही है मॉडल एक्ट के अंदर, क्योंकि 1200 करोड़ रुपए साल की पूरे मध्य प्रदेश की इनकम है, जो जिसमें 450 करोड़ रुपए जो है पेंशन और तनख्वाहों का उसमें खर्च होता है। जो अब मंडियों की हालत ये है कि 40 मंडियां ऐसी हैं प्रदेश की जिसमें 3 महीने से अभी तक तनख्वाहें नहीं मिली हैं, जब से ये मॉडल एक्ट लागू हुआ है। और हम्माल तुलावटी जो हैं बेरोजगार हैं, उन्हें आज 3 महीने से बैठे हैं मंडियों के अंदर, आवक नहीं है, माल नहीं आ रहा, तो उनकी भी सरकार का अभी तक कुछ नहीं है। अभी 3 सितंबर से हमने 3 हड़ताल करी थी अनिश्चितकालीन, तो हमें आश्वासन दिया, लेकिन उस आश्वासन पर अभी कोई भी ना कर्मचारियों के लिए, न किसान, न हम्माल भाइयों के लिए कोई ऐसा कदम उठाए। आगे हमारा आंदोलन जारी रहेगा, अनिश्चितकालीन हड़ताल रहेगी और उग्र आंदोलन की ओर बढ़ेंगे। शुक्रवार को राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा के निवास पहुंचे। गौरतलब है कि पिछले कई दिनों से मंत्री देवड़ा का स्वास्थ्य खराब चल रहा था, जिसके चलते सांसद सिंधिया राजधानी भोपाल स्थित मंत्री जगदीश देवड़ा के निवास पहुंचे और उनका हालचाल जाना। हालांकि अब मंत्री जगदीश देवड़ा पूरी तरह स्वस्थ हैं। भोपाल में कोरोना संक्रमण को लेकर हालात बिगड़ने लगे हैं। बीते 25 दिन में 6,276 लोग कोरोना संक्रमित निकले हैं। संक्रमण दर भी बढ़कर 12.5% पर पहुंच गई है। सक्रिय मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने आदेश जारी किया है कि सभी निजी अस्पताल जिनके यहाँ ऑक्सीजन की व्यवस्था है वहाँ अब कोरोना के मरीज भर्ती हो सकेंगे। इस तरह शहर में ऑक्सीजन की व्यवस्था वाले 30 नए निजी अस्पतालों में भी अब कोरोना के मरीज भर्ती हो सकेंगे। गौरतलब है कि जुलाई महीने में भी कुछ इस तरह के ही हालात बने थे। मध्य प्रदेश में आए दिन अस्पतालों की लापरवाही के मामले सामने आ रहे हैं। एमवाई और यूनिक अस्पताल में शवों की दुर्गति के बाद अब नीमच के कोविड अस्पताल में कोरोना संक्रमितों के शवों से खिलवाड़ हो रहा है। दरअसल मामला नीमच के कोविड अस्पताल का है, जहां 2 कोरोना संक्रमितों की मौत के बाद शवों को बदल दिया गया। अंतिम संस्कार के लिए शमशान पर पूरी तैयारी हो चुकी है। परिजनों को शक हुआ और उन्होंने चेहरा देखने के लिए चेहरे से कफन हटाया। चेहरा देखते ही होश उड़ गए। जिस शव को वो अंतिम संस्कार के लिए लाए थे वो उनके परिजन का था ही नहीं। इसके बाद परिजन अस्पताल पहुंचे और अस्पताल वालों ने उन्हें सही डेड बॉडी दी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के इंदौर दौरे के दौरान उनके खाने में हुई चूक खाद्य और औषधि प्रशासन विभाग के निरीक्षक मनीष स्वामी को महंगी पड़ गई। सीएम के प्रोटोकॉल में लापरवाही बरतने पर कलेक्टर मनीष सिंह ने उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। कलेक्टर ने कहा कि प्रोटोकॉल के तहत सीएम के लिए जिस क्वालिटी का खाना होना चाहिए था उसमें चूक की गई। खाना पैक करते समय पूरे प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया।
इस बुलेटिन वक्त चला छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। होटल गौरीश्री भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइजेस। आवर फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, एसी, टीवी, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीश्री हॉल नंबर 8 चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स एमपी नगर जोन 1 भोपाल। फोन नंबर 7898128620। निष्पक्ष निर्भीक और विश्वसनीय खबरें देखें सिर्फ ईएमएस टीवी पर। डाउनलोड करें ईएमएस न्यूज ऐप। सत्ता के गलियारों से गांव की गलियों तक देखिए हर खबर अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए ईएमएस न्यूज ऐप। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में उपचुनाव आयोग ने उपचुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं किया है। उपचुनाव की तारीखों का ऐलान न होने से ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक शिवराज सरकार के दो कद्दावर मंत्रियों गोविंद सिंह राजपूत और तुलसी सिलावट की कुर्सी पर खतरा मंडराने लगा है। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत और तुलसी सिलावट ने 21 अप्रैल को प्रदेश सरकार के मंत्री के तौर पर शपथ ली थी। दरअसल मंत्री गोविंद सिंह राजपूत और तुलसी सिलावट भले ही शिवराज सरकार में मंत्री हैं, लेकिन वो भी अभी विधायक नहीं है। विधायकी से इस्तीफा देने के बाद भी गोविंद सिंह राजपूत और तुलसी सिलावट को शिवराज सरकार में मंत्री बनाया गया था। क्राइम ब्रांच ने पुलिस और खाद्य विभाग की टीम के साथ शुक्रवार को खजराना क्षेत्र में नकली घी बनाने के कारखाने पर दबिश दी तो वहां सामान देख चौंक गई। एक रूम में नकली घी बनाकर बाजार में खपाने वाले युवक की टीम ने यहां से गिरफ्तार किया गया। आरोपी इंदौर, उज्जैन सहित अन्य पड़ोसी जिलों के व्यापारियों को नकली घी बेचता था। ये डालडा में सनफ्लावर तेल और सुगंध वाला केमिकल मिलाकर अमूल, सांची और नोवा ब्रांड के नाम से पैकिंग कर व्यापारियों को 300 रुपए किलो में बेचता था। प्रदेश में 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर शुक्रवार को घोषणा होने वाली थी, उसके ठीक पहले शिवराज सरकार ने प्रदेश में 90 एएसपी और डीएसपी लेवल के अफसरों के तबादले कर दिए। हालांकि चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपचुनावों की तारीखों की घोषणा नहीं हुई। अब 5 दिन बाद 29 सितंबर को मध्य प्रदेश के उपचुनावों की तारीखें घोषित होंगी। चुनाव आयोग की बैठक इसी दिन होगी। 6 महीने पहले बनी शिवराज सरकार ने पहली बार पुलिस विभाग में इतने बड़े पैमाने पर एएसपी, डीएसपी और एसडीओपी अफसरों को इधर सुधर किया है। 90 अफसरों में 19 एएसपी शामिल है, इन्हें इधर सुधर किया गया है। पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने शिकायतों के आधार पर 4 जिलों की जांच कराई तो 29 करोड़ रुपए से ज्यादा का घोटाला मिला। केंद्र सरकार की सौभाग्य योजना में घर घर बिजली पहुंचाने का काम करना था, जिसमें प्रदेश के कई जिलों में भ्रष्टाचार हुआ है। पूर्व क्षेत्र कंपनी को भौतिक जांच में इसके प्रमाण मिले। सबसे ज्यादा नुकसान मंडला और डिंडौरी जिले में हुआ। मंडला में जहां 15 करोड़ रुपए तो डिंडौरी जिले में 8 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार मिला है। इसके अलावा सीधी और सिंगरौली में इस योजना पर करोड़ों रुपए का खेल हुआ है। कोरोना वायरस के मरीजों के इलाज के लिए निजी अस्पतालों को अब सरकार से अनुमति नहीं लेनी होगी। मध्य प्रदेश स्वास्थ्य आयुक्त ने प्रदेश के सभी कलेक्टर और सीएमएचओ के संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। अभी तक निजी अस्पतालों को मुख्य चिकित्सा अधिकारी से तय शर्तों के आधार पर अनुमति लेनी होती थी, लेकिन अब अलग से ऐसी कोई अनुमति नहीं लेनी होगी। ऐसे निजी अस्पताल जहां पर इलाज की सभी सुविधाएं हैं, वह कोरोना मरीजों का इलाज दे सकेंगे। ऐसे मरीज जिनकी रिपोर्ट निगेटिव और सीटी स्कैन की जांच में संक्रमण बताया जा रहा है, उन मरीजों को इलाज लेने में परेशानी आ रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया की मौजूदगी में चुनावी भंडारे को लेकर नेता और अफसर पशुपेच में है। प्रशासन ने इसकी अनुमति नहीं दी है। इंदौर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में विधायक आकाश विजयवर्गीय ने भंडारा कर लिया था, जिसको लेकर बवाल मचा हुआ है। उसके बाद से ही सांवेर में कार्यक्रम के दौरान होने वाले भोजन भंडारे को लेकर उठा है। कुछ नेता भंडारे के पक्ष में नहीं है। अधिकारियों ने साफ तौर पर कहा है कि भंडारे की अनुमति नहीं दी जाएगी। उज्जैन में लगभग 15,000 लोगों की भीड़ जुटाई जा रही है। ज्यादा बिजली बिलों से तो बिजली उपभोक्ता पहले से ही परेशान है। अब बारिश और थोड़ी तेज हवा चलने से ही बिजली गुल होने की समस्या शुरू हो गई है। स्थिति यह है कि शहर की पॉश कॉलोनियों तक में रोजाना घंटों बिजली गुल हो रही है। समय पर मेंटेनेंस नहीं होने से हल्की बारिश में ही ट्रांसफार्मर जल जाते हैं या फिर रफ्तार टूट जाते हैं, जिसका खामियाजा बिजली उपभोक्ताओं को भुगतना पड़ता है। बीते कई दिनों से अरेरा कॉलोनी, निषाद कॉलोनी, मेंडोरा क्षेत्र, चार इमली सहित शहर के अन्य पॉश कॉलोनियों में बिजली की समस्या बनी हुई है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के मीडिया समन्वयक नरेंद्र सलूजा और मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता ने बताया कि पहले तो भाजपा ने प्रदेश में लोकतंत्र संविधान के साथ छेड़छाड़ कर संवैधानिक मूल्यों की हत्या की। एक जनादेश प्राप्त लोकप्रिय सरकार को बीच में गिराया और अब प्रदेश में होने वाले आगामी उपचुनावों को देखते हुए उसे हार का भय सता रहा है। जनता के मूड को भाजपा भांप चुकी है, इसलिए शिवराज सरकार द्वारा इन उपचुनावों की घोषणा के पूर्व ताबड़तोड़ तबादले किए जा रहे हैं और इनके माध्यम से अपने चहेते अफसरों के उपचुनाव वाले क्षेत्रों में पोस्टिंग कर वो चुनाव जीतना चाहती है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।